लाहौर में आई T20 की बहार, फैंस पर चढ़ गया क्रिकेट का बुखार। लाहौरी सारे काम छोड़कर स्टेडियम पहुंच गए। किसी ने चेहरे पर झंडा पेंट कराया तो कोई सब जिलाली परचम थाम लाया। बच्चे बड़े बूढ़े सब पुरजोश। पंजाबी कुड़ी अरिश्मा ने ढोल बजाकर शाकिन का जज्बा बढ़ाया। At the ICC board meetings that it's a state of the art security. ICC Pakistan में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात का मोतरफ। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा कहते हैं श्रीलंका के आने से दुनिया को मुस्बत पैगाम जाएगा। एहसान मानी बोले श्रीलंका के दौरे में ICC ने भी किरदार अदा किया। चेयरमैन PCB श्रीलंकन टेस्ट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए भी पुरुम्मीद। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत के खात्मे तक जंग का ऐलान। कहते हैं हुकूमत इक्तदार से अलग हो, फौरी नए इलेक्शन कराए जाएं। इदारों से तसादुम नहीं चाहते लेकिन गिरफ्तारियों की परवाह किए बगैर मैदान में उतरेंगे। अगर गिरफ्तारियां हुई तो इश्तियाल फैलेगा, कारकुनान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना के हर वार का मुकाबला अवाम की ताकत से करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने भी पोजीशन संभाल ली। शेख रशीद बोले मौलाना फजल रहमान के आगे खाई पीछे कुआं है, जो खेल वो खेलने जा रहे हैं उसमें वो खुद फंसेंगे। फजल रहमान इस्लामाबाद आए, फिर देखते हैं क्या करना है। वजीर आला पंजाब की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट मुख्तस कर दिया। सेक्रेटरीट के लिए जगह का तायुन भी हो गया। PTI की हुकूमत कैसे आई, डिप्टी स्पीकर के डब्बे खुलने से पता चल गया। वजीर इत्तला सिंह सईद गनी ने तीर बरसा दिए। कहते हैं हुकूमत चेयरमैन नैप को ब्लैकमेल कर रही है। कारोबार तबाह हो गया, ताजिरों को आर्मी चीफ के पास जाना पड़ा। कराची से लॉस एंजलिस ट्रेन की सवारी, वजीर रेलवे को लगने लगी सोशल मीडिया की कारस्तानी। कहते हैं ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, लॉस एंजलिस तक भी ट्रेन चलाएंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल भी तब्दीली से मायूस। कहते हैं तब्दीली के दावों के कोई नतीजे नजर नहीं आ रहे, मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत है। सनअतकारों को आर्मी चीफ से मुलाकात करना पड़ी, ऐसे में गैर मुल्की सरमायाकारी कैसे आएगी। LOC पार जाएंगे, कश्मीर आजाद कराएंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की अपील पर हजारों अफराद का सीज फायर लाइन की जानेब आजादी मार्च। शुरका घड़ी दुपट्टा पहुंच गए, रात क्याम के बाद सुबह LOC के लिए रवाना होंगे। मार्च रोकने के लिए चनारी पर कंटेनर्स लगा दिए गए, फोर्सेज ने भी पोजीशन संभाल ली। LOC पार करना भारतीय बयानिए के हाथों में खेलना होगा, वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा आजाद कश्मीर के अवाम के गम गुस्से को समझता हूं, लेकिन ऐसा करने से भारत को मकबूजा वादी में मजालिम बढ़ाने और LOC पार हमले का बहाना मिलेगा। अमरीकी सेनेटर्स भारत गए मगर कश्मीर जाने नहीं दिया गया। वजीर खारजा की अमरीकी सेनेटर के साथ मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू है, भारतीय फौज इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। अमरीकी सेनेटर सूरत हाल का जायजा लेने जाना चाहते थे। बलूचिस्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसे, दर्जन से ज्यादा जिंदगियां निगल गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, 10 अफराद जां बहक और 14 जख्मी। खुजदार में जीवा क्रॉस पर दो गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद जां बहक 25 जख्मी हो गए। कराची आयशा मंजिल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, PTI कारकुन आसिफ जां बहक। पुलिस ने टारगेट किलिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस, एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। गुटखा खाने वाला और बेचने वाला दोनों जेल जाएंगे। सिंध असेंबली में पाबंदी का बिल पेश कर दिया गया। जुर्म साबित होने पर 1 से 6 साल कैद की तजवीज, 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा।
कातिल मच्छर का डंग, कराची में दो कीमती जिंदगियां निगल गया। सिर्फ सिंध में रवां बरस 14 लोग शिकार हुए। पंजाब में भी 150 से जायद नए केसेस सामने आ गए। तादाद 4,500 से तजावुज कर गई। खतरनाक वायरस पोलियो मुल्क का मुस्तकबिल माजूर बनाने लगा। 3 मजीद नए केसेस सामने आ गए। औरंगी टाउन कराची की 16 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक। जाफराबाद और तोरगढ़ से भी 2 केसेस रिपोर्ट। कराची में बादलों का एक और पावर स्पेल। लांढी, सुरजानी, नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। बालाई इलाकों में आ गई बर्फ की बहार। कोसारों ने कर लिया सफेद मोतियों से 16 सिंघार। सवात, नारान, रिजे समेत शुमाली इलाका जात में बला की सर्दी। कोयटा, तुर्बत, मस्तूम, बोलान समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश के साथ ओले बरस पड़े। क्रिकेट के बाद अब चलते हैं सियासी मैदान में। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। पेशावर में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि धरने का लफ्ज छोड़ने यह आजादी मार्च है। पूरे मुल्क से इंसानों का सैलाब आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत तिनकों की तरह भेजाएगी। मार्च के लिए बस मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा और अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म होगी। आप से इस इस्लामाबाद को पाक करना, एक नाजायज हुकूमत और फिर नाअहल हुकूमत। गिरफ्तारियों से इश्तियाल बढ़ेगा। अब इश्तियाल क़यादत के कंट्रोल में है। अगर क़यादत जेल में जाती है तो फिर इस इश्तियाल की कोई हद नहीं होगी। मदारिस वाला कार्ड फेल हो चुका है। 27 अक्टूबर से पहले कोई जो बड़ी तब्दीली आ सकती है हमारी स्ट्रेटेजी में, वो जाली हुक्मरान के इस्तीफे की सूरत में आ सकती है। जरदारी साहब हमारे साथ हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ हमारे रابطے हैं। कहीं से भी हमें कोई मायूसी नहीं मिल रही। पूरे मुल्क से इंसानों का एक सैलाब आ रहा है। जाली हुक्मरान उसमें तिनकी की तरह बह जाए। अब मुल्क में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। अब भी कहना चाहते हैं इक्तदार छोड़कर असर नौ इलेक्शन कराए जाए और कौम को हक दिया जाए कि वो अपने हकीकी वोट से एक जायज हुकूमत तश्कील दे सके। अब इसका जाना ठहर गया। ये हमारा आखिरी और हतमी फैसला है। मौलाना जो बातें फैला रहे हैं वो उन्हीं के गले पड़ जाएंगी। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना के एहतजाज से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। उल्मा की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है। शहबाज शरीफ डबल गेम खेलना बंद कर दें। बिलावल भुट्टो ने जिम्मेदाराना बयान दिया। मौलाना फजल रहमान साहब को कहना चाहता हूँ, जो आप अफवाहें फैला रहे हैं वो आपके गले पड़ जाएंगी। आगे कुआं है, पीछे खाई है। दीन के मीनारों को और दीनी ताकतों को इसमें मुलव्वस ना करें। इस तहरीक के चलने का नुकसान कश्मीर की जद्दोजहद आजादी को होगा और हिंदुस्तान बॉर्डर पे छेड़छाड़ कर सकता है। ये ना हो कि 27 अक्टूबर में 2 हफ्ते पड़े हैं, कोई छेड़छाड़ शुरू हो जाए और ये सारा मलबा आपके सर पड़ जाए। आपने पहले भी अपोजिशन को बड़ा रुसवा कराया है। फजल रहमान साहब, आप इस्तेमाल करना चाहते थे नून को और पीपल्स पार्टी को, लेकिन आप खुद इस्तेमाल होने जा रहे हैं। उलमा की एक बड़ी अक्सरियत इमरान खान के साथ है। नहायत जिम्मेदाराना बयान दिया बिलावल ने। और मैं शहबाज शरीफ को भी आज मशवरा देना चाहता हूँ, या इधर हो या उधर हो। मौलाना को कौम का दर्द नहीं, इक्तदार से दूरी का दर्द है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी फजलुर रहमान पर बरस पड़ी। कहा कि फजलुर रहमान 22 नंबर बंगले से दूरी पर निढाल हैं। JUI सरबरा ने हमेशा मजहब के नाम पर मुफादात की सियासत की। मुआवने खुसूसी इतलात ने कहा कि करप्शन में कैद लोग मौलाना के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। नंबर बंगले से दूरी में निडाल और बेचैन फजलुर रहमान, जिन्होंने उस इल्म को हमेशा जात के साथ और मफाद के साथ जोड़े रखा, हमेशा मफादात की सियासत की, ब्लैकमेलिंग से, मुनाफकत से दीन को ढाल बनाया। जब से सियासत में आए हैं उन्होंने अपने आप को नाम निहाद इस्लाम का ठेकेदार बन के मजहब कार्ड को सियासत के अंदर हकूमती एवानों और उन बेंचेस पे पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया। इन हालात में मौलाना साहब आप गलत पत्ते खेल गए हैं। जो जेलों में कैद क्यादत है वो मौलाना साहब के कंधों पे अपनी करप्शन की बंदूकें रख के चला रही हैं।
मौलाना फजल रहमान जैसे लीडर बच्चों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट दाग दिया, कहा कि उन लोगों ने सियासत में मदारिस के गरीब बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाया। मौलाना फजल रहमान की तहरीक के दो बड़े मकासद हैं, एक तो अपनी ज़ाती सियासी हैसियत की बहाली और दूसरा मदरसा असलाहत को रोकना, क्योंकि एक दफ़ा मदारिस हाथ से निकल गए तो ये बच्चे ग़ुलामी की ज़िंदगी से शऊर के निज़ाम में दाखिल हो गए और उनकी दुकानें मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगी। और अब बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की, जिनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेकर आए, फिर देखते हैं क्या करना है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्तान के लिए कई बड़ी स्कीम्स का इफ्तिताह कर दिया गया है, सब सेक्रेटरीट के लिए 3 अरब रुपए बजट में रखे हैं, तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, सिर्फ सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है। सब सेक्रेटरीएट के लिए अभी जो जैसे मैंने अर्ज किया, एक तो 35% हमने बजट रखा है साउथ पंजाब के लिए और 3 अरब रुपया इस दफ़ा इस बजट के अंदर हमने एलोकेट किया साउथ पंजाब सेक्रेटरीएट के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारी तरफ से कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, क्लियर है, सब चीज़ें हो गई हैं आपकी, सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस करना है हम लोगों ने बैठ के, कि फिर डिसीजन करना है कि जिस जगह को हम फैसला करेंगे फिर उसको नोटिफाई कर देंगे। जो लॉन्ग मार्च है, इसके बारे में बताएंगे सर, जब वो आए तो सही, फिर देखते हैं क्या करते हैं। कराची में बेनामी जायदाद का एक और केस सामने आ गया। बेवा खातून को नैब की जानिब से नोटिस मिला कि उनका 320 गज का किडनी हिल गुलशन इकबाल में प्लॉट है, जिसके कागजात के साथ वो कल इस्लामाबाद नैब के दफ्तर हाजिर हों। नोटिस देखकर खातून के तो होश ही उड़ गए, कहती है कि प्लॉट तो दूर की बात, उनके पास तो इस्लामाबाद जाने का किराया नहीं है। ये इस सिलसिले में तो मैं यही कहूँगी कि ये झूठ है सारा, और इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं बनता इस लेटर से, और ना मैं इस पोजीशन में उनके जा सकूँ इस्लामाबाद या उनके, क्योंकि बहुत ख़र्चा होता है और ये मेरा इतनी औकात नहीं कि मैं जाऊँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मेरी यही गुजारिश है कि ये लेटर झूठा है और इसके बारे में कोई वो तहकीक की जाए और इल्जाम हटाया जाए, इस तरह का झूठा इल्जाम है ये सब। LOC पार जाएंगे, कश्मीर आजाद।